तो वेलकम बैक अंदर वीडियो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो क्या फ्रेंड्स, आप भी यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं, शॉर्ट वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, और आपको पता नहीं है कि शॉर्ट वीडियो कैसे बनाते हैं, कैसे अपलोड करते हैं? तो फ्रेंड्स, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप शॉर्ट वीडियो कैसे बना के अपलोड कर सकते हैं। फ्रेंड तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो चलिए वीडियो को बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले सबसे पहले मैं आपको दिखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस का आइकन दिख रहा है, यहाँ पे आपको टैप कर देना है। तो यहाँ टैप करना है तो देख सकते हैं कुछ ऐसा पूरा इंटरफेस आ चुका है। तो इंटरफेस आ चुका है तो आप देख सकते हैं क्रिएट शॉर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ टैप कर देना है आपको। यहाँ टैप कर देना है, कंटिन्यू करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मेरा पहले से एक वीडियो अपलोड है, मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, पहले से मैं बना चुका एक वीडियो, तो इसको डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये वाला जो आइकन दिख रहा है, यहाँ से आपका मतलब फ्रंट कैमरा भी ऑन हो सकता है, यहाँ से फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा मतलब लिफ्ट हो सकता है, कैमरा फ्रंट बैक आप इससे कर सकते हैं। ये वाला आप देख सकते हैं, जैसे फ्रंट में आप वीडियो अगर बनाना चाहते हैं अपना शॉर्ट वीडियो तो इससे कर सकते हैं, और बैक करना चाहते हैं तो उसी को टाइप कर देंगे, बैक हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड कितना, सेकंड जैसे 3 सेकंड, 5 सेकंड, ऐसे करके सेकंड यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ सेकंड का ऑप्शन है, तो ये सेकंड का ऑप्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप टाइमर लगा सकते हैं, टाइमर जैसे आपका कितना सेकंड में आप स्टार्ट करें, 10 सेकंड जैसे टिक टिक टाइमर जो होता है वाला टाइमर आप इसमें लगा सकते हैं। तो टाइमर से आप कितना सेकंड होगा वो कर सकते हैं। और यहाँ ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला, इससे आप बैकग्राउंड अपना चेंज कर सकते हैं, इससे आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा वेट कर लेना। देख सकते हैं आपका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे आप अपना ग्रीन स्क्रीन जो होता है बैक, मतलब जैसे आप अगर वीडियो अपलोड करते हैं तो बैकग्राउंड में आप अगर ग्रीन स्क्रीन देना चाहते हो तो इससे आप ग्रीन स्क्रीन दे सकते हैं। ये वाला अच्छा एडवांटेज है इसमें, तो मैं डन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, इससे आप एडिट कर सकते हैं। तो आप एडिट का ऑप्शन ये वाला है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना मतलब बैकग्राउंड में जैसे कुछ होता है एडिटिंग, एक तो एडिटिंग टाइप का होता है, जैसे आपका फेस अच्छे स्मूथ दिखे, अच्छा लगे, तो ये वाला, इससे ये वाला ऑप्शन से आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये वाला इतना ही है, ये वाला ऑप्शन मैं आपको और बताता हूँ और भी क्या क्या एडवांटेज है इसमें। तो आप 15 सेकंड का वीडियो आप देख सकते हैं, 15S लिखा हुआ है, 15 सेकंड का अगर वीडियो बनाना चाहते हैं तो 15 सेकंड का बना सकते हैं। यहाँ पे 60 सेकंड भी कर सकते हैं, 60 सेकंड का बनाना चाहते हैं 60 सेकंड भी कर सकते हैं। और एक एडवांटेज इधर पे ये है फ्रेंड्स कि इधर पे आप अपना म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कोई भी म्यूज़िक है नया भी लेटेस्ट चल रहा है वो वाला ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा ये वाला म्यूज़िक का आ चुका है, आप यहाँ से कोई भी म्यूज़िक लेके उसमें अपना वीडियो में ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यूज़िक ये वाला आ चुका है, तो इसमें आप ऐसे करके वीडियो मतलब आप यहाँ से बना सकते हैं। और एक और आपको बता दूं कि जैसे आप अगर कोई वीडियो बना के उसको एडिट करके सेव करके रखें और आप उसको गैलरी से आप डायरेक्ट शॉर्ट में अपलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसे इंटरफेस आ गया, तो यहाँ से भी वीडियो लेके आपका डायरेक्ट शॉर्ट में ये वाला आ जाएगा। ये भी एक एडवांटेज है, जैसे कोई शॉर्ट में जैसे फैक्ट वीडियो छोड़ा जाता है या कोई भी आप अपना वीडियो छोड़ते हैं, आप गैलरी में सेव करके एडिट करके अलग से रखते हैं, तो उसको भी ऐसे करके आप लेके शॉर्ट में अपलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये भी एक तरीका है, तो मैं एक वीडियो लेके आपको अपलोड करके बताता हूँ कि कैसे आप अपलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं साउंड को ऑन कर चुका, ये वाला साउंड ओपन हो चुका है मेरा, तो मैं दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये वाला मैं ले चुका हूँ, ये वाला वीडियो मेरा बन चुका है, तो इसको मैं नेक्स्ट मारता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो नेक्स्ट मारना है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी गाना है ये वाला मैं मार देता हूँ, हिंदी सॉन्ग मार के मैं शॉर्ट लिख देता हूँ फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, मतलब मैं आपको बता दूँ ये वाला लिखने के बाद आप टाइटल आपको सबसे अच्छे से पहले लिख देना है। टाइटल लिखने के बाद आप देख सकते हैं वाला विजिबिलिटी मतलब क्या है फ्रेंड्स, ये वाला मतलब अपने वीडियो को पब्लिक करना चाहते हैं या फिर प्राइवेट करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ प्राइवेट है, प्राइवेट मतलब आप किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं, सिर्फ आपके यूट्यूब में सेव रहेगा ये वाला, तो ये वाला प्राइवेट होता है। पब्लिक मतलब क्या होता है कि आप पब्लिक मतलब पब्लिक को आप शेयर करना चाहते हैं, पूरा पब्लिक आपका वीडियो देखे, आपका व्यू बढ़े, रीच हो, तो ये वाला अगर आप करना चाहते हैं ये भी कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल प्राइवेट कर देता हूँ अपना। तो मारने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे वीडियो अपलोड शॉर्ट का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, ये सब मार देना आपको। यहाँ पे देख सकते हो ऑडियंस का ऑप्शन दिख रहा है, तो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स करना है, क्योंकि आप बच्चे लोग का टॉपिक रिलेटेड वीडियो नहीं बना रहे, तो इट्स नॉट मेड फॉर किड करना है। अगर बच्चे लोग बना रहे तो उसमें मेड फॉर किड कर सकते हैं आप, लेकिन इट्स नॉट मेड फॉर किड करना है आपको। तो करने के बाद आपको अपलोड शॉर्ट में जाना है, अपलोड शॉर्ट में मार देना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मेरा वीडियो जो आप देख सकते हैं ये वाला, तो वेलकम बैक अंदर अपलोड होना स्टार्ट हो गया। तो हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये वाला अपलोड हो रहा है मेरा वीडियो, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं हम लोग। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है, तो हम लोग जाते हैं। उससे पहले आपको बता दूं मैं आपको शॉर्ट स्टूडियो, YouTube स्टूडियो जो आपको उसको अपलोड डाउनलोड कर लेना है फ्रेंड्स। YouTube स्टूडियो को आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको YouTube स्टूडियो डाउनलोड कर लेना है। तो YouTube स्टूडियो को सबसे पहले आपको जाकर डाउनलोड कर लेना है, उससे आपको टैग मारना है, उससे आपको डिस्क्रिप्शन मारना है, तो YouTube स्टूडियो मस्ट आपको डाउनलोड कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये वाला मेरा आ गया हिंदी सॉन्ग, ये वाला जो है ये वाला ऑप्शन आ चुका है, ये वाला आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं पेंसिल का आइकन दिख रहा है, यहाँ पे आपको टैप कर देना है। यहाँ टैप करके आपको देख सकते हैं ये वाला पूरा मेरा आ चुका है। तो यहाँ पे विजिबिलिटी में जाके अगर आपको पब्लिक करना है यहाँ से, तो पब्लिक कर सकते हैं ये वाला, पब्लिक करके इट्स नॉट मेड फॉर किड्स है, आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख देना है, सब अच्छे से लिख देना है। तो आप देख सकते हैं ये वाला मेरा शॉर्ट आ चुका है। और ये वाला जो आपको देख रहे हैं ये वाला थंबनेल का ऑप्शन है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला थंबनेल का ऑप्शन है आपका, मैं आपको बता देता हूँ।
यहाँ पर आप थंबनेल भी पहले अपलोड कर सकते थे, लेकिन अभी शॉर्ट में क्या किया कि शॉर्ट हटा दिया थंबनेल अपलोड करने का। यहाँ पर थंबनेल अपलोड नहीं कर सकते शायद, क्योंकि ये वाला थंबनेल अपलोड नहीं कर सकते, डायरेक्ट आपका वीडियो अपलोड होगा। अगर आप छोटा वीडियो बनाते हैं, मतलब शॉर्ट नहीं बना के लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, जैसे 2 मिनट 3 मिनट का, उसमें आप थंबनेल अपने से बना के क्रिएट करके आप एडिट करके थंबनेल बना के अपलोड कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में शायद ये वाला ऑप्शन जा चुका है, अभी यूट्यूब शॉर्ट में थंबनेल का ऑप्शन नहीं दे रहा फ्रेंड। तो ऐसे ही करके आप देख सकते हैं, ये वाला प्राइवेसी से पब्लिक कर देना आपको, पब्लिक करके यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे सेव मारते ही आपका देख सकते हैं ये वाला वीडियो मेरा अपलोड हो चुका है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं शॉर्ट का वीडियो मेरा आ चुका है, तो आप ये वाला देख सकते हैं, ये वाला शॉर्ट का वीडियो आ गया। तो ऐसे ही करके फ्रेंड्स आप शॉर्ट वीडियो को क्रिएट करके अपने से एडिट करके बना के अपलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स, यही है प्रोसेस। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते फ्रेंड्स हमारे अगली वीडियो में।